गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हैप्पी दिवाली। आज है दिवाली, लेकिन हम लोग क्या दिवाली नहीं सेलिब्रेट होगी, किसी के भी नहीं होगी। बिकॉज मैं आपको बता दूंगी इसके पीछे क्या रीजन है। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सो मैं आपको दिखाऊं। आज हमारे घर में ना एक प्यारी सी मेम्बर आई है, छोटी सी। तो गुन्ना को दिखाऊं, ले क्या गुन्ना को? तो बहुत छोटी सी, बहुत ही प्यारी लग रही है। मैं दिखाऊं, वो बहुत अच्छी है। इधर दिखा, देख दी, देख गुन्ना, देख ये देख गुन्ना आ गई। ओ गुन्ना, गुन्ना आ गया। अच्छा चलो, क्या था? तुम ये निकाल दो, सब कमेंट करते हो किसी की लगा के इतने बड़े हो गए। छोटी है ना, जानती नहीं है, सो से ना सो क्या करती है, वो उसे ना कस के हक कर लेती है, सो दिया। आप लोग देखो, अभी भी आप लोग कहते हो ना चुस्नी लगाती हो, तो देखो ये फिर भी चुस्नी लेके चली गई है। अब सब मना करते, सब लोग पता मना करते, चुस्नी मत लगाया कर, वो चुस्नी लगाए बिना मानती नहीं है। सो इसी वजह से मैंने आप लोगों को सोचा कि मैं आपको बता दूं। और कल क्या हुआ था कि पता है, हम मतलब मेरी मैं मरी जाती, मतलब आप लोगों को बताऊं क्या हुआ था कि मैंने ना चावल बनाने रखे थे। सो परसों की बात है, मैं चावल बनाने रखे और कुकर में सीटी नहीं आई। तो बहुत चावल सारे कमरे में हो गए, और चावल है ना बिल्कुल, मतलब कुकर फटने को ही था। अगर कुकर आई तभी बस मैंने पास जाकर, मेरे डर लग रहा कि मैं पास गई तो कहीं फट नहीं जाए, पास जाकर मैंने तुरंत गैस बंद करी और बहुत हिम्मत करके मैं गई। सारे बाहर वाले किराएदार वगैरह सब आ गए थे घर पर ही। सो मतलब फटने का डर था, तो मैं जैसे ही मैं गई तो पास से आकर बंद करा, पूरे में चावल ही चावल हो गए। और अगर मेरे को कुछ हो जाता, कुकर वगैरह फट जाता, तो ना तो घर में कोई था, और दिया भी है ना स्कूल गई हुई थी मैं, मर्ज मुझे कुछ हो जाता तो दिया का क्या होता। कल रात मुझे पूरी नींद नहीं आई, यही सोच सोच के अगर मुझे क्या हो जाता। तो मुझे थ्रेडिंग भी करानी है, देखो कैसी हो रही है। सो इस टाइम बिजी बहुत चल रही हूँ, दिया के चैनल के लिए भी वीडियो शूट कर रही हूँ, अपने के लिए भी कर रही हूँ, थोड़ा प्रमोशन वीडियो भी कर रही हूँ। सो इसी के कारण है, तो बस भगवान ने बचा लिया कि मेरे को कुछ हुआ नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम भी नहीं आई। वैसे ऑलरेडी मैं जली हुई हूँ, तो बस इसी वजह से मतलब मैं डर गई थी, बस भगवान का शुक्र था कि मतलब बच गई, अदरवाइज नहीं तो थोड़ा सा वो हो सकती थी। तो चलिए फिर, मैं बता रही हूँ ना तो हंसी भी आ रही है, एक तरफ डर भी लग रहा है कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरी बेटी का क्या होता। बस भगवान ने बचा ली, एक दुर्घटना बोलते ना, एक दुर्घटना होते होते बची, कहते ना पुण्य आगे आ जाता है किसी ना किसी के, तो वही आ गया है। तो चलिए फिर मिलूंगी, मैं ना बनाने वाली सूजी के चीले। एक्चुअली हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। और वैसे मॉर्निंग तो मैंने आपसे बोल ही ली थी, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ दाल और चीले बना रही हूँ। और मैंने आपको बता दिया था कि मैं बना रही हूँ चीले, और यहाँ पर दाल मैंने एक तरफ सोख करने रख दी है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो हमारी है ना दाल है वो बहुत जल्दी बन जाती है, तो फूल जाती है इसकी वजह से। और कल मेरे से किसी ने बोला था कि दिया ना आप मुझे मठा चलाना सिखाना, सो मैं सिखा दूँगी आपको मठा चलाना। और मतलब मैंने कल मठा चलाया था, सो इसकी वजह से मैंने ना सूजी उसमें ही भिंगो दी थी छान के, और उसमें नमक मिर्च डाल दिया था और थोड़ा सा जीरा डाल दिया था। बस ये तीन ही चीज़ डालकर मैंने आधे घंटे सूजी को रखा था, उसका सूजी फूल गई थी। तो मैंने इस तरह से सिंपल से चीले बना दी, और कुछ नहीं बनाया ज़्यादा, अच्छे लगते हैं मुझे खाना। मैं सोच रही हूँ कभी किसी दिन उपमा बनाऊँगी, उपमा की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे करती हूँ। तो मैं इधर आसपास रिफाइंड डाल दे रही हूँ, और जैसे ये नीचे से पक जाएगा तो मैं उसे पलट दूँगी। बहुत ही इजी वे में ये बनता है, तो ज़्यादा तो मैं शूट नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा ही शूट कर रही हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। और इसके बाद मैं ना दाल में जो दाल बना दूँगी, और उसमें मैं तड़का जो तड़के के लिए वो लेके आई थी उसी में मैं तड़का लगाऊँगी। तो यहाँ मेरी जो दाल है वो बन चुकी है, सो अब मैं लगाने वाली उसमें छौंक।
तो जो दाल है ना वो थोड़ा सा क्या है ना थोड़ी सी थिक सी हो गई है, तो मैं उसमें थोड़ा सा पानी डाल के बॉयल करने भी रख दूँगी। और यहाँ पर मैंने गैस पर चढ़ा दिया है तड़का, और मैं उसमें डालूँगी थोड़ी सा घी। और आप लोग कमेंट करके बताना कौन 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 घी में छौंक लगाता है, कौन कौन तेल में छौंक लगाता है। सो मैं यहाँ पर है ना घी डाल दी हूँ, इसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से पकने दूंगी। और आप लोगों को बताओ ये मेरे लिए बहुत इजी हो गया है, नहीं तो मैं छौंक लगाने के लिए कढ़ाई वगैरह करनी पड़ती थी। और इसमें आप लोग टमाटर भी ऐड डाल सकते हैं, टमाटर भी बहुत अच्छी तरह से पक जाते हैं। आप एक टमाटर अगर डालना चाहते हैं छौंक में तो वो भी डाल सकते हैं, और बहुत ही अच्छा छौंक लगता है इससे। और इतने कम रेट में भी मिल रहा था सो मैंने ले भी लिया। तो यहाँ पर मैंने डाल दी थी थोड़ा सा हींग पाउडर, उसका मैंने यहाँ पर डाली राई, और इसको मैंने अच्छी तरह पकने दिया। फिर डाल दिया मैंने जीरा पाउडर, उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा तेज पत्ता, और इसे अच्छी तरह से पकने दूँगी। और यहाँ पर मैंने दो ऐड करी है साबुत मिर्च लाल वाली, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है सब्ज़ी में। और मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया रेड चिली पाउडर और गरम मसाला, ये दो चीज़ मैंने यहाँ पर ऐड करी है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी ये, और अच्छी तरह से चला लूँगी। और इसके बाद मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी दाल में, और उसको मैं थोड़ा सा पकने के लिए रख दूंगी। और इसके बाद ये जो दाल है ना वो बहुत अच्छी बनेगी, और इसकी जो खुशबू है ना, आप चाहें तो ये तड़का है ना, काफ़ी लोग क्या करते हैं कटोरी में बना के रख लेते हैं और दाल गरम करते हैं और उसमें एक चम्मच तड़का डाल देते हैं अलग से। काफ़ी लोग ऐसा भी करते हैं, मेरी भाभी वगैरह करती है, तड़के को कटोरी में रख लेती हैं, फिर जैसे जैसे जो जो खाना खाने आता है उसके में ऐड करती जाती हैं। सो आप भी ऐसा कर सकते हो। मसाला होता है और क्या होता है, पूजा हो गई उनकी, दीपक भी जल गए। फिर पूजा होती है कल की है, कल चढ़ेगा लड्डू। तो गाइज़ यहाँ पर है ना मैं ना गुन्ना है ना खेल रही है, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर दिया। और कल की वीडियो पर मुझे इतना जोर का गुस्सा आया ना कि कुछ ही दो लोगों ने, एक प्रीति तिवारी करके है यार, वो अगर कोई अच्छा भी कमेंट कर रहा है ना तो भी उनके बीच में जाके उनको बोलना है। मैं सोच रही हूँ उनको ब्लॉक ना करूँ, बट मैं ये सोचती हूँ कोई बात नहीं, सब एक जैसे सोच के नहीं होते, सब एक जैसे नहीं होते हैं, मैं उनको ब्लॉक नहीं करती। लेकिन वो ना हर किसी के में जाके उनको बीच में बोलना है, तो चाहे वो कुछ भी बोल रहा हो। और मैंने कमेंट का रिप्लाई भी कर दिया, तो भी उसके आप लोगों को पता है मैं कभी भी किसी को नेगेटिव नहीं बोलती हूँ और ना ही वो बोलती हूँ। और मैं अगर फालतू के कमेंट होते तो उनको मैं हटा देती हूँ, या फिर वो खुद से ही हट जाते हैं। यूट्यूब की एक पॉलिसी है, कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ अगर आप कमेंट करते हो तो वो स्पैम में चले जाते हैं। फिर आकर बोलते हैं कि आपने रिमूव कर दिया, तो मैं किसी का रिमूव क्यों करूँगी भाई, मैं तो इतना टाइम ही नहीं रहता कि बार बार आपके पल पल पर कमेंट चेक करूँ या फिर उसको खोल कर देखूँ। तो आप लोगों को पता है कि मैं ना दिया के चैनल पर भी वीडियो डाल रही हूँ, अपने भी डाल रही हूँ, तो घर का भी काम कर रही हूँ, दिया को पढ़ा भी रही हूँ। और गाइज़ काफ़ी लोग बोलते हैं आप अपनी इन लॉज की बोलते हो, तो गाइज़ उन्होंने ऐसा काम करा है तो वो सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसे उन्होंने बहुत ज़्यादा ही गलत करा है। देखिए कई लोग बोलते हैं आप रेंट पर रह रहे हो, हम भी रेंट पर रहें, ठीक है माना कि आप लोग भी रेंट पर रह रहे हैं, लेकिन रेंट पर वो लोग रहते हैं जिनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लीजिए उन पर घर नहीं है, वो रेंट पर रह रहे हैं माना, ठीक है। किसी पर आप कोई लोग जॉब कर रहे हैं तो वो लोग रेंट पर रह रहे हैं माना, ठीक है। लेकिन किसी के पास दो घर है और दोनों घर में रहने के लिए कोई इंसान नहीं, एक भी बहू नहीं है, एक भी नाती नातिन नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे जेठ जेठानी भी किराए पर रहते हैं और वो भी एक रूम में रहते हैं, ठीक है। और मैं भी एक रूम में ही रह रही हूँ, आप लोगों को पता है। तो आप लोग एक बात बताइए, वो अगर उनके दिल में थोड़ा सा भी मानवता होती या ममता होती तो वो क्या करते हैं कि एक घर दे देते
थी, मुझे पड़ोसियों ने, मेरे चाचा ससुर ने, सब ने यही बात बोली थी, एक घर दे दो, दोनों बहुएं रहेंगी, लड़ेंगी बिड़ेंगी, क्योंकि जेठ जी जिठानी देवरानी के बराबर का कायदा होता है, तो मतलब लड़ें भिड़ें, कुछ बहनें होती हैं, बहन भी तो लड़ती हैं, कुछ भी करें एक साथ तो रह लेंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं, क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है, और अगर पैसों से मतलब नहीं होता है ना, तो वो मेरा, मेरी जिठानी का सारा गोल्ड सब कुछ नहीं रखती, ठीक है, उनको सिर्फ पैसों से मतलब है, और शुरू से पैसों की लालची रही हैं वो, और झूठ तो वो इतना बोलती हैं, आप लोग को ट्रस्ट नहीं करूँगी, शायद मैं कर भी ना पाऊँ, इतना झूठ बोलती हैं, मैंने तो उनको अब उनकी आदतों को उनके भगवान के ऊपर छोड़ दिया है कि वो जैसा करेंगी और भगवान उनको ऐसे ही सजा देगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो झूठ बोल रही हैं, आप लोगों को नहीं मालूम कि वो झूठ बोल रही हैं, ठीक है, मुझे मालूम है, और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी लोग जैन लोग भी देखते हैं, तो उनको, मुझे पता है कि वो झूठ बोल रही हैं, और किसी को नहीं पता, ठीक है, सो मैं झूठ बोल रही हूँ, मुझे, मैं इस बात को मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है कि वो इतना मेरे से झूठ बोलेंगी तो भगवान उनका बहुत ही, उनकी बेटी पर जब बीतेगी ना, जब उनकी बेटी दुख में रहेगी, तब उनको शायद रियलाइज़ हो कि दुख होता गया है, क्योंकि मैं दूसरी माँ की बेटी हूँ, तो शायद उनको इसलिए रियलाइज नहीं हो रहा। बहुत सी सास इतनी अच्छी होती हैं कि मैं अगर तारीफ करूं तो बहुत ही कम होगी, तो मैं बोलूंगी बहुत सारी सासें बहुत अच्छी होती हैं, माँ बेटी से ज़्यादा प्यार करती है। सो आज ये टॉपिक मेरा चीड़ा है, आज के बाद मैं टॉपिक कभी नहीं चीड़ती, आप लोग पता नहीं क्यों हर बात को मेरे से जोड़ देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बात मैं अपने ही ऊपर लेकर बोल रही हूँ। सो प्लीज़ अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है तो आप पूछ सकते हैं, बट है ना, आप मेरे से हर बात मत जोड़ा करिए। तो यहाँ पर हम लोग पटाखे, और आज ही लास्ट बार मैं टॉपिक ले रही हूँ, उसके बाद मैं टॉपिक नहीं लूँगी, क्योंकि मेरी कोर्ट की डेट भी आ रही है 20 नवंबर। सो बस यहाँ पर पटाखे वगैरह चलाने के बाद मैं ना यहाँ पर आ गई थी नीचे, और मैं भगवान की पूजा कर रही थी भाभी, और एक्चुअली में क्या हुआ है, यहाँ पर भैया नहीं आए हैं, तो मैंने थोड़ा सा शूट किया था, भाभी कह रही मत करो, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था भाभी को भी, जो भैया आते हैं ना वो है ना किसी काम में फंस गए थे इसकी वजह से, और नहीं तो भैया आ रहे थे बच्चों को लेकर। सुबह भी यहाँ पर पूजा कर रही है, उन्होंने यहाँ पर 5 दीपक जलाए हैं, और यहाँ पर है ना भगवान जी की मूर्ति जो करवा चौथ की थी, और अहोई अष्टमी की जो होती है वो थी, और यहाँ पर 5 दीपक थे, और जो भाभी के पैसे वैसे होते हैं वो रखते हैं, वो रखे थे उन्होंने, और यहाँ पर वो आरती वगैरह कर रही थी, और हम लोग को मंदिर नहीं जाना था, क्योंकि हमारे दीपावली पर कुछ नहीं हुआ था, हमारे यहाँ ना जो चाचा दादा ससुर वो ख़त्म हो गए थे, तो इस बार दीपावली में महातम सा छा गया था, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, उदास उदास सा हो रहा था। तो गाइस ये वीडियो व्लॉग में यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।